नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्म और आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आरओ से रिलेटेड कुछ बातें, कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब भी आरओ में कुछ पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, हम सीधा टेक्नीशियन को फोन करते हैं। टेक्नीशियन हमारे घर पे आके चेक करके फिर एक ही वर्ड बोलता है कि मेम्ब्रेन इसका मेन प्रॉब्लम है, तो सर और मैडम आपको मेम्ब्रेन चेंज करना है। और जब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम बड़े चौंक जाते हैं, अरे मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं है, छोटा सा सिंपल सा एक पार्ट है जो आरओ का हार्ट बोला जाता है और जिसकी वजह से आपका पानी रिफाइन होता है। तो टेक्नीशियंस जो भी मार्केट में है, उन लोगों ने एक मेंटेलिटी सेट कर दी है, आरओ में मेम्ब्रेन गया यानी बहुत बड़ा खर्चा, तो वो हमसे 2,000, 2,500, 3,000 वैसे चार्जेस करते हैं क्योंकि हमको उसकी नॉलेज नहीं है। तो आज इस वीडियो में यही आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं और आरओ का मेम्ब्रेन, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है मेरी आप अपना आरओ ओपन करके उसको रिपेयर कर पाओगे। आपको कोई टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल से स्टेप है, आपको जस्ट मेरा वीडियो फॉलो करना है। ये आरओ जो मेरे पास है वो कैंट कंपनी का है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपका आरओ कौन सी कंपनी का है। मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉमन होता है, आप कोई भी कंपनी का मेम्ब्रेन लेके कोई भी आरओ में फिट कर सकते हो। मेम्ब्रेन दो टाइप की आती है, पहली मेम्ब्रेन कि आप कॉर्पोरेशन का पानी अगर यूज करते हो तो उसमें मेम्ब्रेन अलग लगती है। दूसरी बात यह है कि आप अगर बोरिंग का पानी या तो प्लंबिंग का पानी यूज करते हो तो उसमें मेम्ब्रेन अलग लगेगी, क्योंकि दोनों में वाटर का लेवल अलग अलग है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। और जनरली हम कॉर्पोरेशन का पानी अगर यूज करते हैं तो उसमें क्लोरीन का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का शॉर्ट होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सबसे पहले टेक्नीशियंस यही चीज आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन सा पानी यूज करते हो। आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि आरओ में प्रॉब्लम है कि नहीं है? आप टेक्नीशियन को कब कॉल करते हो? जब आपको लगता है कि इसकी पानी की टेस्ट चेंज हो चुकी है, या तो पानी कम आना, बहुत कम आना, या तो ठीक से नहीं चलना, वैसी प्रॉब्लम्स होती है, हम सीधा टेक्नीशियन को फोन करते हैं और टेक्नीशियन आके चेक करके पहला वर्ड यही रहता है कि मैडम या तो सर इसमें मेम्ब्रेन चला गया है, और वही मेम्ब्रेन का वो हमसे चार्ज बताएगा 1200 से 1800 तक का। मेम्ब्रेन का 2-3 वैरायटी उसके बैग में अवेलेबल होता है, हमको निकाल के वो कंपनी का नाम भी हमको नहीं पता होता है कि कौन सी कंपनी है भाई। वो 1500 की मेम्ब्रेन हमको बताएगा, 2000 की मेम्ब्रेन बताएगा, हम सीधा हाँ बोल देंगे। वो 2-3 वर्ड ऐसे बोलते हैं कि मैडम इसमें क्या 200-300 देखने का, आपके घर की सिक्योरिटी है ये, इससे बीमार बच्चे होते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हम 200-300 देखते नहीं है और उसको हाँ बोलते थे कि हाँ भैया जो भी है इसको फिट कर लो और हमको कंप्लीट करके दो, अच्छा वाला जो भी है उसमें मेम्ब्रेन आप फिट करना। और कुल मिला के वो हमसे 3,500, 4,000 तक चार्ज करके चला जाता है। ये 30 मिनट्स का काम है, उससे भी कम है, पर आप से मैं पूरी डिटेलिंग शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है मेरी कि आप अपने घर का आरओ 30 मिनट्स के अंदर रिपेयर कर पाओगे, आपको टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी स्टेप है। और आरओ का मेम्ब्रेन जब भी मार्केट में लेने जाओ तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी, आपको आइडेंटिफाई पहली बात ये रखने की है कि आप कॉर्पोरेशन का पानी यूज करते हो या बोरिंग का। आपको डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को वही बोलना है कि आप कौन से पानी यूज करते हो, उसके बेस ऑन आपको मेम्ब्रेन लेना है। मार्केट का मेम्ब्रेन का रेट बता देता हूं, 500 रुपए से स्टार्ट होता है, 700-800 रुपए तक की मेम्ब्रेन मिलती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ले ली। और उसके साथ दो फिल्टर होते हैं, एक होता है कार्बन फिल्टर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, वो सिंपल सा आपका वाटर प्यूरीफाई करेगा, और दूसरा होता है सैंडीमेट फिल्टर। ये दो फिल्टर लगते हैं आपके आरओ में और एक होता है मेम्ब्रेन, यानी साल में एक बार आपको मेम्ब्रेन चेंज करना ही है, आप नोट कर लो। तो मेम्ब्रेन का मेन खर्चा जो आता है सबसे ज्यादा उसी का ही है, 600-700 रुपए की मेम्ब्रेन आएगी और ये दोनों फिल्टर 100-100 रुपए के हैं, यानी जोड़ लो के 700-800 रुपए में आपका आरओ रेडी हो जाएगा, जबकि यही चीज का टेक्नीशियन आपसे 3,500 चार्ज करेगा अगर आपके घर पे आके वो करेगा। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आपको आरओ को ओपन करने के लिए आपको खाली स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। 4 बोल्ट ओपन करने हैं, बोल्ट ओपन करने के बाद ये चीज ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अब मैं आपको डिटेलिंग में इसकी बता देता हूं कि कैसे चेंज करना है। सिंपल से सॉकेट से आपको उसको पुल अप और पिन अप करना है, जिससे ये ट्यूब निकल जाएगी और ट्यूब निकलने के बाद आपको वो वाला पार्ट निकाल के उसके सामने जो नया वाला पार्ट आपने परचेस किया उसको फिट करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इस वीडियो के डिटेलिंग में आपको बता देता हूं कैसे चेंज करना है। सब्सक्राइब कीजिए धर्म संघ चैनल को और इस घंटे को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अब हमें इस मेम्ब्रेन को चेंज करना है और रिप्लेस करना है ये मेम्ब्रेन से, तो आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन यहाँ पे फिट है और आप जब अपना आरओ खोलोगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि मेम्ब्रेन कौन से पार्ट पे है। तो डोंट वरी, हर एक कैंडल पे लिखा हुआ है, जैसे ये मेरी कैंडल पे यहाँ पे प्री कार्बन फिल्टर लिखा हुआ है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज करनी है। ये कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये वाली जो ट्यूब्स है, हर एक ट्यूब्स सॉकेट में लगी हुई है और ट्यूब्स के आगे एक लॉक है ब्लू कलर का, तो आपको ये ध्यान से देखना, आपको ये लॉक अंदर दोनों उंगलियों से प्रेस करना है, उसके बाद ये ट्यूब खींचोगे तो ये पुल अप हो जाएगी।
तो इजीली निकल जाती है, और वापस से अगर आपको फिट करना है तो वैसे ही कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई पाना पकड़ की जरूरत नहीं है, इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये ट्यूब निकाल दी, यहाँ पे हम सबसे पहले ये चेंज कर देंगे, और उसको यहाँ पे दो सॉकेट पे आप देख रहे हो जहां जहां ट्यूब लगी हुई है, लॉक को ओपन कर दो और उसको रिमूव करना है। तो ये जितने भी छोटे छोटे लॉक्स हैं आपको रिमूव करने हैं। लॉक्स को रिमूव करने के बाद ये यहाँ से आप उसको डिटैच कर सकते हो। जैसे मैंने ये पहला वाला निकाल दिया है, और ये इसको भी हम वैसे ही निकाल देंगे जैसे इसको निकाला था। और याद ना रहे आपको कि कौन सा ट्यूब किस में फिट किया हुआ है, तो आपको पहले मोबाइल से फोटो ले लेनी है। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया प्री कार्बन फिल्टर, उसके सामने आपको कार्बन फिल्टर ही फिट करना है। तो ये याद रखना, आपका मेम्ब्रेन इसके अंदर है और नीचे वाला सेंडिमेंटल है। तो ये फिल्टर भी आपको चेंज करना है, ये वाला भी चेंज करना है, और ये कार्बन वाला भी चेंज करना है। तीनों फिल्टर चेंज करने हैं। तो सबसे पहले हम ये चेंज कर लेंगे। तो ये नया वाला कार्बन फिल्टर है, प्री कार्बन फिल्टर। तो हमको एग्जैक्ट ये जो पुराना वाला है उसको निकाल के ये वाला फिट करना है। और इसमें आप सोचोगे पोलारिटी है, तो पोलारिटी नहीं है। पोलारिटी यानी प्लस और माइनस। तो इसमें प्लस और माइनस का झंझट नहीं है, आपको जस्ट ये एरो फॉलो करना है, और ये वाला एरो, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, ये एरो यहाँ पे मैच होना चाहिए। बस आपको सिंपल इसके ये जो है ट्विस्टर है, तो यहां से इसको घुमा के आपको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले हम इसकी लॉक ओपन कर लेंगे और इसको निकाल लिया। अब इसको आपको घुमाना है, जैसे जैसे ट्विस्ट करोगे तो ये निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेम ऐसे आपको यहां पे ये वाला भी रिमूव करना है। मैंने घुमा के इसको भी रिमूव कर दिया, ये निकल चुका है। तो वैसा ये पुराना वाला मैंने डिटैच कर दिया है, और ये वाला नया वाला जो है उसको अटैच करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाला एरो आपको आइडेंटिफाई करना है। एरो के हिसाब से यहाँ पे नए वाले में रेड कलर का लॉक होगा, उसको आपको रिमूव करना है, और वहां पे ये वाला आपको फिट कर देना है। और ये शायद अगर टूट जाए या तो कुछ काम ना करे, तो ये मार्केट में अवेलेबल है, ओनली 10 रुपीज इसकी वैल्यू है। ये आप रिटेलर से परचेस कर सकते हो। इसको ज्यादा लॉक नहीं करना, अदरवाइज अंदर के उसके लॉक्स टूट जाएंगे। और सेम वैसा ये वाला यहां पे फिट करना है। ये देखिए, ये फिट हो चुका है। हम इसको यहां पे ट्यूब्स को फिट कर देंगे। तो हमारा पहला कार्बन फिल्टर यहां पे फिट हो चुका है। अब हमको चेंज करना है सेकंड वाला मेम्ब्रेन। तो यहां से इसकी ये रिंग्स निकाल देंगे, ये ऐसी रिंग्स होती है लॉक्स। तो ये लॉक्स आपको निकाल देना है दोनों साइड से। जब निकालोगे तो आपका ये आरओ का मेम्ब्रेन निकल चुका है। और यहां पे ध्यान रखना, ये इनलेट है तो आउटलेट से अलग नहीं होना चाहिए। इसको घुमा के, ये ट्विस्टर है, आपको इसको घुमा के इसका लॉक ओपन करना है, और लॉक ओपन करके ये नया वाला जो मेम्ब्रेन है आपको उसमें फिट करना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ट्यूब में निकलेगा जिसका डबल कवर है, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करना थोड़ा हार्ड ना पड़ेगा, जब ये बाहर निकालोगे कुछ ऐसा निकलेगा। ये मेम्ब्रेन बोला जाता है, इसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उसका पोलारिटी आपको ध्यान में रखना है कि सेम टू सेम वैसा ही फिट। ये रबर वाला जो पार्ट है वो नीचे जाएगा, और ये वाला जो रबर वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड हमको यहाँ पे बाद ये आपको फिट करना। दोस्तों, अब ये नया वाला मेम्ब्रेन हम इसमें फिट कर देंगे, और ये बॉटल को लॉक कर देंगे। इसको थोड़ा पुश करना है, अब इसको लॉक कर दो। ये बॉटल पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पर डोंट वरी, ये आरओ का ही बॉटल है, और इसके अंदर से ये मेम्ब्रेन मैंने निकाली है। जो मेम्ब्रेन के ऊपर लिखा हुआ है आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। तो डोंट वरी, इसी को ही मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। दोस्तों, ये सब डिटेच करने से पहले आपको 2-3 मोबाइल में फोटो ले लेना, क्योंकि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे नॉलेज है कि कौन सा ट्यूब का पाइप कहाँ पे फिट होगा, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको यहाँ पे ये ब्लू वाला जो है उसको यहाँ पे फिट करना है, और ये वाला जो पार्ट है आपको उसको यहाँ पे फिट करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे फिट कर ली है, और अब क्या करना, ये वाला फिल्टर चेंज करना है हमको, जिसका नाम है सेंडिमेंट। तो ये फिल्टर चेंज करना है, लास्ट फिल्टर है। अब तक हम दो चेंज कर चुके हैं, कार्बन फिल्टर और मेम्ब्रेन। तो उसके लिए आपको यूवी वाला ये निकालना पड़ेगा पाइप, और उसके बाद ये अगेंस्ट ये जितने भी रिंग्स है आपको पुल अप कर लेनी है और मूव कर। इसको जब रिमूव करोगे तो यहाँ पे ट्विस्ट करना है, और इसको आपको रिमूव करना है। ये हमने रिमूव कर लिया।
क्या करेंगे, ये नया वाला जो सेडिमेट फिल्टर है उसको हम फिट कर देंगे सेम एज इट इज। इसमें पोलारिटी का टेंशन नहीं है, प्लस करना है माइनस करना है, जैसे आपने देखा था उसको जैसे हमने रिमूव किया, आपको सेम चीज यहाँ पे फिट करनी है। तो ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ पे इसको फिट कर लेंगे। तो ये सेंडिमेट फिल्टर यहाँ पे फिट हो चुका है दोस्तों। आपको पुरानी जो कैंडल्स में से जो ये सॉकेट निकला है आपको उससे रिमूव करके आपको यहाँ पे फिट करना है। और ये वाला पाइप आपको यहाँ पे फिट कर देना है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारे कैंडल्स चेंज हो चुके हैं, बस वापस उसको उसकी जगह पे हमको फिट कर देना है। और ये रिंग्स हम वापस से लगा देंगे, छोटे वाले रिंग्स यहाँ पे यूवी के, और ये यूवी का जो फिल्टर है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, और ये वाला कार्बन फिल्टर यहाँ पे। ये देखिए हमारे सारे फिल्टर्स फिट हो चुके हैं, अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो ये देख सकते हो ये वाला बटन, तो इसको आपको यहाँ से घुमा के TDS चेक करना है। जैसे तो दोस्तों आपका RO रेडी हो चुका है और अब पानी भरने की तैयारी है। जैसे ही पानी भरता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये टंकी 12 लीटर या जो 14 लीटर वैसे अलग अलग लीटर्स की होती है, तो उस टंकी को पूरा आपको फिल करना है। जब टंकी भर जाए तो वो पहली बार पानी फेंक देना है, दूसरी बार पानी भरेगा तो आपको TDS कंट्रोल यहाँ से करना है। कैसे करना है, स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ से आपको उसको सेट करना है। जब यहाँ से सेट करोगे आपको नीचे जो पानी निकलेगा नल से उसमें TDS दिखाएगा कि कितना TDS एग्जैक्ट होना चाहिए, तो आपके हिसाब से TDS सेट कर सकते हो यहाँ से। दोस्तों मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है इस वीडियो के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाने का और बहुत ही इजी स्टेप में बताया, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर से मुझे कमेंट करना, उसका मैं आपको आंसर देने वाला हूं। और आगे की वीडियो में बताने वाला हूं RO असेंबल होता कैसे है, UV कैसे काम करती है और उसका क्या फंक्शंस है। तो छोटे छोटे ऐसे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो उसकी अपडेट के लिए आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।